दक्षिणा न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। क्या फिर से एक बार राजस्थान में कई ऐसे विधायकों के बीच की जो तालमेल है वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। दरअसल जो शांति धारीवाल को लेकर के बयानबाजी शुरू हुई है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है। और ऐसे में आपको ये बता दूँ, दरअसल प्रताप सिंह खाचरियावास ने जिस अंदाज में उनको लपेटने की कोशिश की, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं राजनीतिक आरोप लगाए, उससे ये माना जा रहा है कि अब ये जो दोनों नेताओं के बीच की लड़ाई थी और ज़्यादा एक्सपेंड कर चुकी है, यानी कि अब विधायकों तक पहुंच चुकी है। आपको समझाते हैं, दरअसल प्रताप सिंह खाचरियावास शांति धारीवाल के कई फैसलों को लेकर के, कई बयानों को लेकर के अपने पक्ष को रख रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा, शांति धारीवाल जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि वो बीजेपी को जिताना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को हराना चाहते हैं। शांति धारीवाल एक बड़ा चेहरा है, प्रताप सिंह खाचरियावास खुद एक बड़े चेहरे के रूप में हैं, और ऐसे में शांति धारीवाल के मंत्री पद को लेकर के भी कई सियासी जो है दावे किए गए, उन पर गंभीर आरोप लगाए गए। ऐसे में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी ने भी कई मुद्दों को लेकर के उन पर निशाना साधा है। देखिए, जब प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के ये कहा कि वो बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में नज़र आते हैं, तो उस पर फौरन जो है पलटवार किया जाता है, सीपी जोशी के द्वारा बयान दिया जाता है जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं राजस्थान के। वो साफ तौर पर कहते हैं कि जो है शांति धारीवाल जो है वो खुद को इस तरीके से नरेट करते हैं या दिखाते हैं कि वो मात्र एक जो है इलाके के, एक ज़िले के मंत्री हैं, हालांकि उनको पूरे राजस्थान में काम करना चाहिए। तो ये क्या पूरी तरीके से माना जाए कि ये गेम जो है फिक्सिंग चल रहा है? क्या विधानसभा चुनाव से पहले कई बड़े चेहरों को जो बीजेपी अपने पाले में साधना चाहती है, और यही वजह है कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसको भांपते हुए पहले ही इससे आगाह कर दिया। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ को। धन्यवाद।